यूपी के संभल में पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, वहीं एक बदमाश को गोली लगी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला? ये जनपद संभल में चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था, इसी दौरान सूचना मिली कि कुछ अपराधी एक रास्ते से आ रहे हैं। इस सूचना पे कई थाने की फोर्स ने घेराबंदी किया, जिसमें एक अपराधी जो छन्नू उर्फ श्याम सिंह था, इसके साथ दो और साथी थे, वो लोग एक बाइक से आ रहे थे। उनकी घेराबंदी की गई खंडवा रोड पे चंदौसी में। वहाँ पे जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा एक सिपाही घायल हुआ और इसी क्रम में इसको भी गोली लगी है। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके दो साथी मौके से फरार हैं, जिसके लिए कॉम्बिंग जारी है, अभी कॉम्बिंग किया जा रहा है। सर, घायल बदमाश पे कुछ इनाम भी है सर? हाँ, 15,000 का इनामिया है। ये गैंगस्टर का वांछित मुलजिम था बहजोई से, और अभी इसकी और भी क्रिमिनल हिस्ट्री पता की जा रही है। अभी तक पता चला है कि 10-12 आपराधिक इतिहास है, लूट हत्या डकैती के इस पे हैं, और अभी अन्य जनपदों से भी पता किया जा रहा है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री।